बेबी सॉफ्ट स्किन चाहिए? इसमें बेबी ऑयल आपकी हेल्प करेगा। थोड़ा सा बेबी ऑयल और चीनी मिक्स करके आराम से सर्कुलर मोशंस में स्क्रब करें। ज्यादा रफ ना हो, उतना आराम से करें जितना आप बेबी के साथ होते हैं। चीनी एक्सफोलिएट करेगा और बेबी ऑयल स्किन को रिपेयर और मॉइस्चराइज करेगा। नहाते नहाते पिगमेंटेशन को दूर करें। थोड़ी सी हल्दी और शावर जेल मिक्स कर लें। उतना ही ले जिससे शावर जेल में कलर दिखे, इतना नहीं कि नहाने के बाद आप मिनियन जैसे दिखे। अपने बॉडी पर लादर करें और फिर धो ले। इससे आपको नहाते टाइम 4-in-1 बेनिफिट्स मिलेंगे। शावर जेल बॉडी को क्लेंस करेगा और हल्दी स्किन को ब्राइटन करेगी, पिगमेंटेशन कम करेगी और बॉडी एक्ने को रोकेगी। फटी एड़ियों और हाथों को कहे बाय बाय अपने पेट्रोलियम जली के साथ। इसे और असरदार बनाए ड्राई स्किन फाइटर ऑलिव ऑयल के साथ। दोनों इक्वल क्वांटिटीज में मिला ले। अपने हाथों और पैरों पर मसाज करें। सॉक्स और ग्लव्स के साथ कवर कर ले और मॉइस्चर लॉक होने दे। पाए स्मूदेस्ट स्किन बिना क्रैक्स या फ्लेक्स के। प्रोडक्ट बिल्डअप की वजह से हेयर रूट्स ऑयली और एंड्स ड्राई हो रहे हैं। आपको जरूरत है डीप क्लेंजिंग और स्कैल्प डिटॉक्स की। यूजुअल अमाउंट में शैम्पू ले और उसमें कॉफी मिलाए जिससे एक पेस्ट बन जाए। इसे यूज करके सारी गंदगी और कचरा हटाए जिसके कारण आपका स्कैल्प क्लॉग हो रहा है। कॉफी पाउडर बालों से बिल्डअप हटाएगा और बालों को बढ़ने में भी मदद करेगा। कहते हैं विटामिन ई में ई का मतलब एवरीथिंग होता है, क्योंकि इसके कई यूजेस हैं। लेकिन हमारा पसंदीदा यूज है डार्क सर्कल्स को हटाना। एक विटामिन ई कैप्सूल को एलोवेरा जेल में मिलाए और सोने से पहले अपने अंडर आईज पर मसाज करें। विटामिन ई खोए मॉइस्चर को लौटाएगा, आपके आंखों को प्लम्प और रिवाइव्ड बनाएगा और एलो इससे अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा। हमें उम्मीद है ये DIYs आपको पसंद आए होंगे। हमें अपने कमेंट्स में बताएं कौन सा DIY है आपका फेवरेट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।